दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे बाल कलाकार हुए जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। उनमें से कईयों ने तो बड़े होकर खूब नाम कमाया। आइए उन्हीं में से कुछ बाल कलाकारों की बात करते हैं कि वो बड़े होकर कैसे दिखते हैं। नंबर एक, कभी अलविदा ना कहना में शाहरुख खान के इस बेटे ने बहुत ही क्यूट एक्टिंग की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटे का रोल करने वाला यह बेटा नहीं दी है। इसका नाम एहसान चन्ना है। यह अब तक दर्जन भर फिल्में व कई वेब सीरीज में नजर आ चुकी है। ट्विटर पर इनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। नंबर दो पर है कुछ कुछ होता है फिल्म में शाहरुख की बेटी अंजलि का रोल करने वाली सना सईद। सना सईद को अपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में देखा होगा। इनके बचपन की फोटो के साथ मिलान करने से भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये दोनों एक है। नंबर तीन पर है तारे जमीन पर फिल्म में आमिर खान के साथ बहुत ही शानदार चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाने वाले दर्शील सफारी। दर्शील सफारी अब काफ़ी हैंडसम नज़र आते हैं। आने वाले समय में कई फिल्मों और वेब सीरीज में नज़र आएंगे। फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली से ना होने का कारण उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन वो इसका इंजॉय लेते हैं। नंबर चार पर हैं पार्टनर मूवी में लारा दत्ता के बेटे का रोल करने वाले अली हाजी। अली हाजी ने बचपन में पार्टनर, फना, तारारंपम 2, गणेश जैसी कई फिल्मों में अपने तड़ाक स्टाइल से दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन किया। आज के दिनों में अली हाजी डायरेक्टर व राइटर बन चुके हैं। नंबर पाँच पर है कोई मिल गया में रीति के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल निभाने वाली हंसिका मोदविका। इसने साउथ इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। इसके बाद हिमेश रेशमिया के साथ आपका सुरूर मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल भी निभाया। उसके क्यूट अंदाज की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी लंबी है। नंबर छः पर है राजा हिंदुस्तानी मूवी में आमिर के साथ नजर आने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट कुणाल खेमू। मूवी में उन्होंने बिंदास स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता। बड़े होकर कुणाल खेमू काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन कर चुके हैं। सैफ अली खान की बहन के साथ उनकी शादी हो चुकी है। नंबर सात पर है कभी खुशी कभी गम मूवी में करीना कपूर के बचपन का रोल करने वाली क्यूट मालविका राज। मालविका राज 2021 में एक एक्शन मूवी स्कॉट में हीरोइन का रोल निभा चुकी है और आने वाले समय में कई बॉलीवुड व साउथ इंडस्ट्री की मूवी में नजर आने वाली हैं।